तो हम बात करने जा रहे हैं हुंडई द्वारा लॉन्च की गई i20 के नए मॉडल के बारे में, जिसका नाम है एलीट i20। तो दोस्तों आपको बता दें, हुंडई इंडिया इन दिनों तीसरी जनरेशन की एलीट i20 पर काम कर रही है। इसे टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा भी गया है। हुंडई ने अभी नई एलीट i20 की लॉन्च की तारीख का ऐलान तो नहीं किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में इसे 2020 के मध्य तक लॉन्च किया जा सकता है। अगर दोस्तों बात करें इसके फीचर्स की, तो टेस्टिंग के दौरान देखा गया है कि गाड़ी में प्रोजेक्टर हैंडलैप, प्रोजेक्टर फोगलैप, सनरूफ और अलॉय व्हील जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कार के पीछे वाले हिस्से को काफी हद तक कवर किया गया है, मगर तस्वीरों में टेल लैंप के आसपास मेटल एलिमेंट देखने को मिला है। 2020 एलीट i20 में लाइसेंस प्लेट को रियर बम्पर पर पोजीशन किया गया है। नई एलीट i20 कार इंटरनेट कनेक्टेड फीचर से लेस हो सकती है। और अगर दोस्तों बात करें इसके इंजन और परफॉर्मेंस की, तो हुंडई इसमें मौजूदा मॉडल वाले 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.4 लीटर डीजल इंजन के अलावा वेन्यू एसयूवी वाला 1.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी दे सकती है। हुंडई वेन्यू में इस इंजन के साथ मैनुअल और ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा दोस्तों, जिसके साथ हमें मैनुअल और ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विकल्प दिया गया है। एलीट i20 में भी इन्हीं गियरबॉक्स का विकल्प रखा जा सकता है जो मॉडल लॉन्च होने वाला है इसके अंदर। मौजूदा मॉडल वाले इंजन की बात करें, तो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ सीवीटी और 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, जो अभी फिलहाल मौजूदा मॉडल जो चल रहा है उसमें दोस्तों ऑटोमेटिक गियरबॉक्स नहीं है, वहीं डीजल इंजन 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी ने पहले ही खुलासा कर दिया है कि नई जनरेशन i20 वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग पोर्ट्स और 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आएगी। इसके अलावा इसकी फीचर लिस्ट में ब्लूटूथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी होगी। इसमें IRVM की होट की शायद ही दी। तीसरी जनरेशन की हुंडई i20 के भारतीय मॉडल में BS6 नॉर्म से लेस 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, और दोबारा बता रहे हैं दोस्तों आपको 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ उपलब्ध होगी। भारत में आने वाले मॉडल में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने की संभावनाएं काफी कम है। अगर बात करें दोस्तों इसके प्राइस की, तो इसकी प्राइस 5.7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में रखी जा सकती है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके इंटीरियर की, तो गाड़ी की फाइनल इंटीरियर डिजाइन सबसे पहले दिखाए गए टीजर से काफी हद तक मिलती जुलती दिखाई पड़ती है। हालांकि इसमें नियॉन ग्रीन हाइलाइट्स की जगह ऑल ब्लैक कलर थीम दी गई है। इस कार का डैशबोर्ड लेआउट एकदम नया है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साइड में 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। यह एलिमेंट्स नई ग्रैंड i10 नियोस के इस कार को अलग दिखाते हैं। कुछ इस तरह का लेआउट BMW की कारों में देखने को मिलता है। इस स्क्रीन के नीचे की ओर सिंगल रोटरी डायल और कई बटन भी दिए गए हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें कि डैशबोर्ड पर 10.25 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। हालांकि आने वाले मॉडल्स में यह स्क्रीन शायद देखने को मिलेगी। अनुमान है कि कंपनी इसे 8 इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे सकती है। इस 5 सीटर कार में नई जनरेशन क्रेटा की तरह ही ऑल न्यू स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। कार में पूरे ही डैशबोर्ड पर हॉरिजॉन्टल लाइनें मिलती हैं। ऐसे में इसका इंटीरियर पहले से काफी स्पेशियस नजर आता है। इसमें एसी वेट्स को नए डिजाइन के साथ डैशबोर्ड के नीचे पोजीशन किया गया। वहीं सेंट्रल कंसोल पर नए क्लाइमेट कंट्रोल को डिजिटल टेम्परेचर डिस्प्ले और प्रीमियम टॉगल स्विच के साथ दिया गया है। इसके फुटवेल और डोर स्टोरेज एरिया को एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों अभी बता दें आपको कि इस कार की कोई भी तस्वीरें लॉन्च नहीं हुई, इसके हमें खाली स्केच मिले हैं या जो इंटरनेट पर जो फोटोज लीक हुई है वो ही हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी कोई भी फोटो i20 इलीट की अभी तक लॉन्च नहीं की है कंपनी ने। तो दोस्तों आपको भी पता है कि गाड़ी जो इसका पहले वाला मॉडल आया था वो मार्केट में कैसा रहा। जबरदस्त इसके फीचर्स थे, जबरदस्त इसकी लुकिंग थी, जबरदस्त इसकी माइलेज वगैरह सब कुछ जबरदस्त था। लोगों ने इसको काफी ज्यादा पसंद भी किया, मार्केट में कार अच्छी भी चली, तो कंपनी को क्यों इसको अपडेट करने की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज के टाइम में हर कोई हर किसी चीज को अगर लेगा तो वो अपडेट होने के साथ ही लेगा। तो दोस्तों जो पहले वाला मॉडल था वो काफी पुराना हो चुका था, इसलिए कंपनी ने नए मॉडल के साथ इसको अपडेट करके इलीट i20 नाम देके इसको मार्केट में उतारा है। उम्मीद है दोस्तों कि ये गाड़ी भी पहले की तरह अच्छी प्रोग्रेस करेगी। और दोस्तों अगर बात करें हम इस कार के मुकाबले की, तो इस कार के मुकाबले में मारुति सुजुकी बलेनो, टाटा एल्ट्रोज, होंडा जैज और इस सेगमेंट की अन्य गाड़ियां होगी जो कि इससे मुकाबला करेगी। नई एलीट i20 जो दोस्तों मॉडल लॉन्च होने वाला है वो मौजूदा मॉडल जो i20 का है उससे ज्यादा में आकर्षक और उससे ज्यादा स्पोर्टी होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।